वैसे मुझे लगता है कि पढ़ना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि सुबह उसके लिए उठ के तैयार होके सुबह सुबह रेडी होके जाना है वैसे यूनिवर्सिटी के पाँच साल जो मैंने गुजारे हैं ना है न, जो मैं उसमें कभी लेट उठी हूँ या फिर कभी मैंने कोई सुस्ती दिखाई हो बहुत कम ऐसा होता था मतलब मैं हमेशा सुबह को जल्दी उठती थी और रात को भी जल्दी सोना होता था और पाकिस्तान में तो मेरी बड़ी अच्छी रूटीन सेट हुई हुई थी और तो और भाई मेरे मायका और या ससुराल हो दोनों में भी लेट उठने का कोई रिवाज नहीं था आपने भाई जितना मर्जी रात को रात को लेट सोए आपने उठना ही उठना है ये नहीं है कि आप बारह बजे तक सोते रहे ये यह तो कि तो तो लैंग्वेज तो के, के और... क्लास में हर पंद्रह हर फोर्टी फाइव मिनट्स के बाद ना एक ब्रेक होती है जिसमें मैंने पानी पीने के लिए उठना लाजमी होता है और यहाँ पे आके मैं लाजमी तौर पर वाटर ब्रेक मैंने जरूर अपने लिए लेनी होती है क्योंकि नाश्ता तो मैं ऑलरेडी करके आई होती हूँ तो भूख तो इतनी जल्दी नहीं लगती और फिर क्लास लेने के बाद मैं ढूंढ रही थी अपने हस्बैंड को क्योंकि आज उन्होंने कहा था कि वो मुझे लेने आएंगे वैसे तो मेरा सेंटर मेरे घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं है मैं खुद भी आ जाती होती हूँ लेकिन अगर कोई ऐसा दिन ना जाए कि जिससे मुझे हस्बैंड लकीली लेने आ जाए तो फिर मैं उस डे को जाया नहीं करती होती वापसी पे हमने कुछ ना कुछ शॉपिंग जरूर करनी होती है तो वापसी पर यहाँ पर मैं लॉन्ग शर्ट देख रही थी क्योंकि मुझे अभी जरूरत है आगे थी फर्स्ट वन वाली मुझे ज्यादा पसंद आई थी तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि येलो वाली भी प्यारी है तो तुम ये भी ले लो तो मैं चलो ठीक है ले ले <laughs> तो बस ये फिर अपने इसका का चेकआउट कराया यार ये वैसे तो मैंने आपको बताया था ना कि पैसे अगर आप पैसे दे देते हैं तो आपके उतने ही पैसे लगते हैं जितने आपके लिखे होते हैं वरना कार्ड के जरिए पेमेंट करने का ये नुकसान होता है कि आपको एक दो चैनल एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं और फिर उसके बाद हमारा चक्कर लगा एक ढाई का वहां से एक दो चीजें हमने वहां से भी लेनी थी और यहाँ सौ से एक एक चनन के मास्क भी मिल जाते जो मैं भी शौकिया तौर तो पर ले लेती होती हूँ शुक्र है अल्लाह का कभी इनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ ये ठीक ही रहते हैं मेरे मुँह पे और फिर वो साजो सामान लेने के बाद हमने किया वापसी का सफर घर आने के बाद ही मैंने ठंडा ठंडा अपने लिए शेक बनाया क्योंकि अब गर्मियां शुरू हो गई हैं तो बाहर से आने के बाद तो आपका दिल करता है कोई ठंडी चीज हो तो के लिए ना फौरन से रेडी हो और ठंडा ठंडा शेक बनाने के बाद फिर ये मेरे हस्बैंड पंखा शंखा साफ किया था उन्होंने तो ये हमने पंखा भी चला लिया आज इसका इफ्ताह कर लिया है और फिर उसके बाद चूँकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी नाश्ता कर चुके थे और दोपहर तो कभी खा चुके थे तो मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया आलू वाला पास लन पड़ा हुआ था आलू गाजरों का जिस आलू गाजर वाले सालों में से मैंने आलू चोरी करके इसके अंदर डाल लिए वैसे मुझे एक दफा किसी ने कहा था कि अगर भूख लगी हो ना तो पराठा फूल जाता है रोटी फूल जाती है सॉरी तो मेरा पराठा मेरा तो पराठा ही पूरा फूल गया ना <laughs> भूख तो बाकी मुझे लगी हुई थी और फिर मैंने कहा सोचा चलो इसके साथ लस्सी का कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं इसके साथ कैसा लगता है मैंने अक्सर लोगों को पराठे और लस्सी का कॉम्बिनेशन का बड़ा सुना है तो आज मेरा दिल कर रहा था चलो यार इसको मिला के देखते हैं क्या मतलब फर्क पड़ता है तो मुझे अच्छा लगा था ठीक था ये था मेरा पराठा गर्म था और मेरी लस्सी ठंडी थी और बस आज के लिए इतना ही ओके बाय